कसेड़ा के लिए मैं सबसे पहले उनकी टीम को बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने नाम निर्धारित सोचा है, उस मूवी का नाम ही सोचा है बसेरा, तो बसेरा का मतलब होता है जो जिनके पास कोई ना डेरा उसके लिए घर चाहिए बसेरा। ऐसे हमारे कल्याण जी भाई और फिरदौस जी और हमारे इशार साहब बहुत ही फिल्मों में जिन्होंने बड़ी मूवी में डायरेक्टरशिप किया है, ऐसे इशार साहब, आज सौभाग्य की बात है कि इन लोग सब हमारे साथ में हैं। कल्याण जी जाने के बारे में तो आपको बोलना ही बोलें, कितना कम बोलें, कभी सूरज को चिराग दिखाना, चिराग दिखाने वाली बात है। दादा साहब फाल्के के नाम पे इतना बड़ा अवार्ड कराते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेके चले गए, दुबई लेके चले गए। बसेरा मूवी जो बन रहा है उसके जो भी डायलॉग्स हैं, जो भी गाने हैं, ये बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों से कराया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बसेरा मूवी भी सुपर हिट होगी। सर वही लाइन बोलना चाहता हूँ, मेरे तरफ से बसेरा की पूरी टीम को, कल्याण भाई को, ताई भाई को दिल से, तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, कल्याण भाई आपके जाएंगे सर। देखिए मेरा एक ही बोलना है, मीडिया को मेरा नमन है, मीडिया हमारा हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ है और कमाल भाई हमारा पांचवा स्तंभ है, क्योंकि कमाल मेरा सफर कमाल करते हैं और कमाल भाई को मेरा नमन है, मीर भाई को मेरा नमन है, जावेद मीर साहब, क्योंकि इस जो एल्बम है इसका वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ताहिर कमाल खान साहब और इरफान साहब मिलकर इसमें भूमिका निभाया है, और मेरे बीच में बैठा है इशार साहब जो एक बेहतरीन डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक अच्छे इंसान है। मेरे साथ बैठे हैं जाने माने देश के समाज सेवक, बीजेपी के लीडर, हम सबके चहेते मेरे गुरु विशाल भगत साहब, फिरदौस मैडम हमारी बहुत जूनी दोस्त, एक अच्छी एक्ट्रेस, और जब भी मिलते हैं तो हंसमुख चेहरा लेके आते हैं, एक पॉजिटिविटी इनके अंदर है और इनके हंसमुख चेहरा देख के लोग और हंसते हैं, तो ये लोगों को हंसने काम का वो काम करते हैं, हालांकि वो कॉमेडियन नहीं है लेकिन वो एक्ट्रेस है। और मैं इनके साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं, ऐसा अड्डा पूरा आज मीडिया संभाला है, और साथ में हमारे सीनियर पत्रकार साहब मुंडे साहब हैं, हमारे सीनियर CVO जब चलता था चैनल तब से लेके अब तक, खबर 24 साहब पुष्कर साहब हमारे साथ हैं, तो गाजी भाई हैं जो रात को एक चीज़ देता है भाई लिख दो तो लिख देते हैं साहब, तो तमाम यहाँ पे मेरे भाई हैं, मीडिया के धनुर्धर हमारा भाई बोलते हैं, तो शंकर साहब और तमाम लोग मेरा भाई यहाँ पर है। खाली मैं इतने ही बोलना चाहता हूँ, बसेरा सबका घर का बसेरा हो और मेरा भाई का भी बसेरा हो, रैन बसेरा हो, हाँ, और ये बसेरा इतना बड़ा हिट हो जो कमाल भाई इसी बसेरा में बस जाए और साथ में जावेद मीर साहब भी बस जाए, और इसके साथ साथ में हमारे बीच में सुनील पाल साहब हैं जो जाने माने कॉमेडियन हैं, एहसान खुर्शी साहब हैं, और साथ में हमारे अमित यादव साहब हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग आके चले गए, नत्था साहब चले गए आके, दिलीप साहब गए, आदिल साहब गए, आदिल द्रोणी साहब, और साथ में हमारे मनसे के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हाजी साहब आके चले गए, हमारे साथ में काफ़ी सारे स्टार आके चले गए, बधाई दिए हमारे ताहिर कमाल खान साहब को, और मेरे गरीब के पास से पैसा नहीं है, मेरे पास गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ ताहिर कमाल खान हिट हो जाए। ये तो एल्बम है, मैं चाहूँगा कि बसेरा के नाम से ताहिर कमाल खान और कल्याण दोनों मिलके एक मूवी भी बनाए। क्या बात है, प्रोड्यूसर मेरा गुरु विशाल भगत, कल्याण जी कमाल हीरो और प्रोड्यूसर विशाल भगत, इस तरह डायरेक्टर अभी फाइनल कर दो। फिरदौस जी बोलना चाहते हैं,
बोलना चाहूँगी, मेरा दोस्त है कमाल खान, मेरा बहुत अच्छा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उन्होंने जो बसेरा म्यूज़िक बनाया है, मैं इस पूरे टीम को उनके सब कुछ शुभकामना देना चाहूँगी, और आई होप सब बहुत अच्छा होगा, आप देखेंगे हम अभी आप लोग सब देखेंगे, बस उसको शुभकामना देना चाहूँगा, आगे जाके बहुत तरक्की करे, ऊपर वाला उसको बहुत कामयाबी दे, बस यही आमीन। महादेव बस एक लास्ट है पुनीत साहब नमन करता हूँ, दो घंटे से आप बैठे हो, इसलिए आप तमाम मीडिया को मेरा प्रणाम ऐसा चुका के, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब्बा शुरू करो। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आरव शर्मा है, तो मैं भी एक्टर हूँ, तो नमस्कार सभी को, बहुत सारा प्यार। तो जैसे कि आज जावेद जी ने बहुत अच्छा एक आपके आगे सबके आगे रखा है कि हम लोग एक नया लॉन्च कर रहे हैं, और आपने एक सवाल पूछा था जावेद जी से कि आपको कमाल जी में क्या खूबसूरती लगी, क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगी सेट के दौरान, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आप देखेंगे तो आपको खुद फील कर लेंगे कि वो इतने अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने इतना अच्छा जो वर्क किया है, वो सेम चीज़ आप देख लेंगे सब लोग, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा कि उन्होंने क्या देखा उनके अंदर। तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, वैसे कि मैं बाहर से जब तो मैंने ऐसे ऊपर देखा तो मेरे को तारे नहीं दिखाई दिए, और जब मैं अंदर घुसा तो मुझे लगा कि सारे सितारे तो यहीं हैं आज, तो आज आप सब इतने सुंदर और इतने अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच आने के लिए, धन्यवाद। जी हम तो उनके साथ अभी भी काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि उनका ऐसा नेचर है कि वो हर किसी को साथ लेके चलते हैं, तो उनका वो प्यार है और वो हमेशा हमारे साथ है, हम उनके बच्चे हैं, तो थैंक यू सो मच। मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि मेरा दोस्त ताहिर कमाल, हम लोग 15 साल से दोस्त हैं, और मैं भी एक फिल्म डायरेक्टर म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर हूँ, और मैंने जब ये गाना का मतलब एक एडिट पार्ट पे जब मैंने इस गाने को देखा था, उस समय में जो पता चल गया था कि भाई ताहिर कमाल ने जो 15 साल में इतनी जो कड़ी मेहनत जो की है, वो जावेद मीर साहब के द्वारा निखर के सामने आ गई है, और जावेद साहब का जो एक ड्रीम था कि अपना एक म्यूज़िक कंपनी खोले, उस कंपनी को भी उन्होंने आज ही के दिन लॉन्च किया है, प्रेजेंट किया है। आज ताहिर कमाल के साथ साथ मतलब एक स्टार को देना और एक स्टार के साथ देना बहुत बड़ी बात है। आज इस पूरी इवेंट के महफिल में इतनी तमाम मीडिया मतलब इतने सारे मीडिया को देख के ऐसा लग रहा है कि एक म्यूज़िक वीडियो का नहीं बहुत बड़ी फिल्म की लॉन्चिंग है ये, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटी बॉलीवुड से जो आए जिन्होंने शुभकामनाएं दी ताहिर कमाल को, जावेद साहब को, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ आशा करता हूँ कि आगे फ्यूचर में जावेद साहब के साथ में मैं काम करूँ, इस पर इनके कंपनी में काम करूँ, एज अ डायरेक्टर काम करूँ, क्योंकि मैंने अब तक टी सीरीज जी सबके साथ काम कर लिया है, बस इन्हीं के साथ काम करना रहेगा, कि आज लॉन्चिंग है तो मैंने सोचा है कि इनके साथ भी स्टार्ट किया जाए, इनकी म्यूज़िक प्रोडक्शन में काम करूँ एज अ डायरेक्टर। और इस म्यूज़िक वीडियो में जो सबसे मुख्य जो किरदार कह सकते हैं वो ताहिर कमाल जी का है, साथ ही साथ सपोर्ट जो है एज एन एक्टर इरफान रजा साहब का, इरफान रजा साहब जी के बारे में बहुत कम बोला गया था, मैं उनका मतलब टीवी से इनका फ़ैन हूँ इरफान रजा साहब का, कि जब वो काम कर रहे थे टीवी में सीरियल पवित्र रिश्ता में, फिल्म कर रहे थे मैंने एक लड़की चाहता उसमें लीड हीरो थे, और उनका साथ पकड़ा है, उनका साथ दिया है जावेद साहब ने, मतलब बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ही बहुत बुलंदी वाली बात है। और जितनी तमाम मीडिया जो हमारी आई है इनको कवर करने के लिए, हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं आप लोग, किसी तरह से भी हमने जो भी काम किया होता है उस काम को आप लोग निखारते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब ऐसे प्रोग्राम करते रहे, ऐसे म्यूज़िक वीडियो बनाते रहे जिसमें हम लोग हमेशा आए और काम करें आपके साथ में। जी सबसे पहले तो मैं पुनीत भारद्वाज पूरी टीम की मेहनत को दाद देता हूँ कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इसको कवर कर रहे हैं,
और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गाना है, जो एल्बम है, ये मीडिया और लोगों को पसंद आए और वायरल हो जाए। आजकल वायरल का ज़माना है, तो इसका कोई भी एक दो तीन पार्ट वायरल हो जाए और इनका ये मुहिम जो है आगे और भी चलता रहे, ज़ोर शोर से और भी प्रोड्यूस करते रहें, नए नए कलाकारों को चांस देते रहें। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, स्क्रीनिंग का भी टाइम हो गया है, तो बहुत बहुत बधाई मीर साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जावेद मीर साहब ने पूरी दुनिया घूमी है, दुनिया के हर शहर हर कंट्री घूमी है। उसके बाद उन्होंने अगर हिंदुस्तान से कोई हीरा चुना है वो मेरा दोस्त ताहिर कमाल। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे मज़ा आया इस म्यूज़िक वीडियो का टाइटल सुन के, उसका काम देखा मैंने, बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं खुद फ्यूचर में चाहूँगा कि उसके साथ में आगे काम करूँगा। तो ताहिर कमाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब आप सब लोगों का प्यार है और आप सब लोगों के मैं के साथ में सारा काम हो रहा है। अभी अजहर के साथ भी काम शुरू करना है मुझे, तो हम लोग सबके आशीर्वाद चाहते हैं।